और वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं डरता वरता नहीं हूँ, मैं डरता किसी से नहीं हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा डर मुझे लगता है नए साल पे उन लोगों से जो रेवोल्यूशन लेते हैं। देखो एक बात समझ में नहीं आ रही कि सब लोग न्यू ईयर की बधाई ऐसे दे रहे हैं जैसे इनको पूरा साल इतना अच्छा जाएगा जैसे पूछो ही मत। अरे भैया हम कॉमर्स वाले हैं यार, हमारा अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है, मतलब हमारे लिए 31 दिसंबर 31 मार्च है और 1 जनवरी 1 अप्रैल है। तो कृपया बधाई देने से पहले देख लें व्यक्ति साइंस का है कॉमर्स का। यार अभी अभी एक सुविचार मेरे मन में आया, सोचा मैं आपको बता दूं कि क्लास 10th का प्यार और क्लास 11th की मार्कशीट कसम से किसी काम की नहीं होती। सर ठंड अलग नहीं मान रही है, मतलब मैं ऊपर वाले से गुजारिश कर रहा हूँ कि थोड़ा ऐसे बर्फ वर्फ और गिरवा दो, शिमला मनाली आने के पैसे बच जाएंगे। सर कैसे हो, सब क्या चल रहा है सभी का? तो यार हैप्पी न्यू ईयर सभी को, और न्यू ईयर पे सबके अपने अपने प्लान्स होते हैं, सबके अपने अपनी जिंदगी सेट है। मतलब यार न्यू ईयर सबके लिए स्पेशल होता है, मतलब जैसे जिम वालों के लिए सबसे स्पेशल होता है न्यू ईयर पे। जिम में इतनी कमी होती ना कि मैं क्या बताऊँ। जिम में मतलब न्यू ईयर पर लोग रेजोल्यूशन रहते हैं कि भैया जिम हम करेंगे इस साल से, बहुत जिम करेंगे, इतनी जिम करेंगे, इतनी बॉडी बनाएंगे कि मतलब अलग ही मजे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, ये लोग जाते हैं मेंबरशिप लेते हैं, साल भर की मेंबरशिप लेते हैं और जानबूझ के जिम वाले काउंटर पे बहुत प्यारी सी लड़की बिठाएंगे आपको। लेकिन आप इस जाल में मत फंसना, वो आप इसलिए मत फंसना क्योंकि आपको भी पता है और उनको भी पता है कि 2-4 दिन का भूत होता है जिम वालों का। आप 2 दिन जाओगे, 3 दिन जाओगे, 4th दिन कोई नहीं आता जिम में न्यू ईयर के बाद, क्योंकि न्यू ईयर के बाद ही सबसे ज़्यादा जिम में कमाई होती है, तो ये उन्हें भी पता है। लेकिन आप इस बहकावे में बिल्कुल मत पड़ना। तो बाय द वे जो भी हो, 2019 अपने लिए बहुत स्पेशल रहा, अपनी इस साल कुशल मंगल से अपनी 12th निकल गई, अपन ने 12th पास कर ली इस साल और अपन कॉलेज में आ गए। कॉलेज में वो मजे नहीं थे जो स्कूल में है। और वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं डरता वरता नहीं हूं, मैं डरता किसी से नहीं हूं, लेकिन सबसे ज़्यादा डर मुझे लगता है नए साल पे उन लोगों से जो रेवोल्यूशन लेते हैं। रेवोल्यूशन आज से भाई, नए साल से पक्का पढ़ाई शुरू, नए साल से सुट्टा दारू बीड़ी सिगरेट सब बंद, नए साल से जिम जाना शुरू। अरे भाई साहब, ये आपका जो रेवोल्यूशन है ना, ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स से मैक्स 1 हफ्ते चलेगा। इसके बाद आपको भी पता और रेवोल्यूशन को पता है कि ये किसने मेरे को ले लिया, ऐसा बिल्कुल मत करना। और नॉट बट एट द लीस्ट जो सबसे ख़तरनाक रेवोल्यूशन रहता है कि इस साल भी मैं सिंगल नहीं रहूँगा, और ये लोंडे फिर आखिरी में स्टेटस डालते हैं साल के आखिरी में 31 या दिसंबर में, इस साल भी मैं सिंगल रह गया। तो आपने किया क्या,